everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 6. Ek bar dekhte hain hamara question kya kehta hai. The potential energy of a freely falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy and why? So yahan par freely falling body ki ek baat kari gayi hai. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्टेन हाइट से फेंका जाएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है, तो इवेंचुअली उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होते हुए हमें दिखेगा. व्हाई सो? बिकॉज ये हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वो एनर्जी रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसके वर्च्यू ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से उसमें स्टोर्ड रहती है, राइट? बट क्योंकि अब वो रेस्ट में नहीं है एंड इट इज फॉलिंग फ्रीली, That means कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कहीं ना कहीं जीरो के क्लोज पहुंच रही है. तो क्या इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो रही है, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हो रही है या एंड पे जा रही है? तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय या एंड नहीं होती है, इट विल चेंज इट्स फॉर्म. तो यहाँ पर बिल्कुल उसी के बारे में आपसे एक प्रूफ मांगा है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन वहां पर जस्टिफाई नहीं हो पाता, और अगर होता है तो कैसे. ठीक है, सो एक बार देखते हैं हमारे आंसर में कैसे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है. सो नो, इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये कॉन्सेप्ट हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट नहीं करता है. सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जस्टिफाइड होगा या नहीं, बाद में उसका रीजन देंगे. सबसे पहले हमें यस और नो में पता होना चाहिए कि व्हाटएवर वी आर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं अपने आंसर से जुड़ा हुआ, क्या वो सही है या नहीं. ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो वायलेट नहीं हो रहा, बट कैसे नहीं होता, नाउ लेट्स सी दैट. देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द हाइट. तो हमें ये पता है कि जैसे जैसे बॉडी हमारी अर्थ सरफेस के क्लोज पहुंचती जाएगी, सो क्योंकि बॉडी मोशन में है, That means कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इवेंचुअली जीरो की तरफ बढ़ रही है, यानी कि खत्म हो रही है. अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है, यानी कि कम हो रही है, तो वो एनर्जी कहाँ होगा, ट्रांसफर हो जाएगा. ट्रांसफर किसमें होगी, इट विल इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी. व्हाई? बिकॉज हमारी बॉडी किसमें है, मोशन में है. सो इन टर्न काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी As the body approaches the surface of the earth. क्योंकि height decrease हो रही है, तो एक बात पक्का है कि potential energy खत्म होगी. लेकिन क्योंकि वो नीचे जा रही है, और नीचे जाने पे किसी भी freely falling body में velocity का change होते हमें दिखता है. Velocity क्योंकि earth के gravitational pull की वजह से velocity increase होती है, और velocity increase होने का क्या मतलब है कि वहां पर kinetic energy भी increase होने वाली है. तो इसलिए जितनी भी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर थी, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन. ठीक है, सो दैट इज व्हाई हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी जस्टिफाइड रहेगा, और वो लॉ कभी भी वायलेट नहीं हो सकता किसी भी ऐसी सिचुएशन में. ठीक है, सो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रूफ समझ आया है कि ऐसे अगर हमें सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं, सो हाउ वी हैव टू शो कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है. अभी यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन गिवन था, फोर से आपको कोई और सिचुएशन गिवन है एंड सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो वहां पर भी आपको यही देखना है कि आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है. अगर एक बार आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन शो कर पा रहे हो या बता पा रहे हो, देन वी आर डन. ठीक है, उसमें आपको कोई इशू नहीं है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से जस्टिफाई हो सकता है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय.